तो कर क्या रहे हैं? 85% भीमवादी क्या कर रहे हैं? सरकारी मशीनरी को 15% बनवादी हाथों में चढ़े हैं और 85% भीमवादी देश के स्टूडियो में किसी हद तक नहीं सकते हैं। तो गायब तो आप हो रहे हैं ना? अरे भीमवाद का सहारा लेके क्यों नहीं ले पाते सरकार बनाते हैं? मनुवाद चिल्लाने वाले नहीं लड़ते हैं, घुस गया भीमवाद बीजेपी के खिलाफ। आपका भीमवाद खेल हो गया, भावना का सम्मान करते हुए 80 और 85 और 15 का भीमवादी रेशियो 12-13 बाई इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है। मैं एक सवाल लेना चाह रहा था यहाँ पर एक मिश्रा जी, मैं आपसे समझना चाहूंगा लेकिन ब्रेक लेता हूं। ब्रेक के बाद आकर के समझने की कोशिश करेंगे कि क्या सिर्फ जबानी जमा खर्च की वजह से ही दूसरी विपक्षी पार्टियां धराशायी हो रही हैं? क्या जमीनी स्तर पर अपनी सही रणनीति को बना नहीं पा रही हैं? जमीनी स्तर पर जिन चीजों पर जनता विश्वास करे उन चीजों को लेकर के विपक्षी पार्टियां, सर 30 सेकंड के अंदर एक कमेंट दीजिएगा, उसके बाद में मुझे ब्रेक लेना। केवल जवानी जमा खर्च नहीं, देखिए मैं आपको बताऊं, इनकी जो आइडियोलॉजी थी कांग्रेस वगैरह की विपक्ष की, इनकी आइडियोलॉजी एकदम छिन्न भिन्न हो गई है, खत्म हो गई है। हर चुनाव में इनके मुद्दे अलग होते हैं। जवानी जमा खर्च भी जो करना होता है पॉलिटिक्स में, बोलना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जरूरी है, उसमें भी विपक्ष फेल हो रहा है। टीवी पे कोई इनका प्रवक्ता नहीं है, किसी अखबार में कहीं ये लोग बोलते नहीं है, कहीं कुछ ये करते नहीं है, कम्युनिकेशन ही नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या जीतेंगे? एक महत्वपूर्ण पॉइंट आपने उठाया है कि जाहिर तौर पर जनता के बीच रहना, संवाद, जब आपने संवाद बंद कर दिया तो आप समस्याओं को लेकर के आगे बढ़ना, जनता की मुश्किलों को आसान करना, ये सियासी पार्टियों और उनके नेताओं का दायित्व होता है। मगर ये कौन सी स्ट्रेटजी है कि जनता से संवाद कायम ना किया जाए, जनता के हितों को लेकर के जो चर्चाएं की जा रही उस चर्चा में शामिल भी ना हुआ जाए? तो सवाल इस बात का है कि जनता आखिर विश्वास जिन पार्टी पर कर रही है, क्या जनता गलत है या फिर विपक्ष अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए? अगर विपक्ष को जनता का समर्थन नहीं मिल पा रहा है तो फिर विपक्ष की गलती कहां पर है? कांग्रेस समेत दूसरी पार्टियां कहां पर मिस कर जा रही हैं? भारतीय जनता पार्टी जिस अंदाज में, जिस एग्रेशन के साथ में चुनावी प्रचार हो या अपने कामकाज को लेकर के जनता के बीच जाना हो, वो कामकाज जिस पर विपक्ष सवाल उठाने की कोशिश भी करता है, उन्हीं कामकाज को लेकर के बीजेपी जनता में जाकर के उन्हीं को अपना मजबूत हथियार बना लेती है और जनता विश्वास भी करती है। एके मिश्रा जी, कैसे समझा जाए इसको? देखिए आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं, पॉलिटिक्स जो है स्पेशली भारतीय पॉलिटिक्स एक बहुत डायनामिक फील्ड है और बहुत इंटीग्रेटेड जो है इफर्ट इसमें डालने होते हैं ताकि आपको सक्सेस मिले। देखिए आपकी कमजोरी आपके विपक्ष की जो है बहुत बड़ी मजबूती बन जाती है। तो जो ये कांग्रेस मुक्त या विपक्ष मुक्त हम बात कर रहे हैं, ये विपक्ष अपने आप खुद कर रही है, अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रही है। कम्युनिकेशन इन लोगों को नहीं करना है, पब्लिक से संवाद इन लोगों ने बंद करके रख दिया है, किसी चीज पे ये लोग विरोध इनको नहीं करना है, अगर विरोध करना है तो एसी रूम में बैठ के प्रेस ब्रीफिंग वगैरह करके इन्होंने विरोध कर दिया। मैं इन लोगों को उतने एक्टिव वे में नहीं देख रहा हूं विपक्ष को, जितने एक्टिव वे में इनको होना चाहिए या इनका राइवल बीजेपी जितना इफर्ट डाल रहा है। ये लोग एक्टिव कब होते हैं? 1 महीने पहले जब चुनाव आ जाता है, तो ऐसे थोड़ी आप चुनाव जीत लेंगे। एफर्ट के साथ साथ में स्ट्रैटेजिकल मिस्टेक भी क्या हो रही है? महावीर तंवर जी, देखिए ऐसा नहीं है जो अभी कह रहे हैं कि हरियाणा में देख लिए माननीय अशोक तंवर जी के नेतृत्व में पूरे पांच साल आठ महीने हम लोगों ने सड़कों पर संघर्ष किया। अरे सर हरियाणा में देखा था विपक्ष की भूमिका, जो आपके अध्यक्ष लड़े तीसरे नंबर पे आ गए, घेराव किया तो खाली कांग्रेस, तीसरे नंबर पे सुरजेवाला आए थे, आप देख लीजिए, आईना में दिखाइए, हमें खुद देखिए। बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आपको पता हरियाणा के अंदर एक क्षेत्रीय पार्टी भी थी जो भारतीय जनता पार्टी ने किसी लालच के बस उनको तोड़ दिया। आप क्यों नहीं तोड़ पा रहे हो सर? जी का जो परिवार आप लोगों को मना किया है क्या? आप लोग अपने विपक्ष के ऊपर क्यों नहीं प्रहार कर रहे हो? आप विपक्ष के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। आप ये देखिए हरियाणा के अंदर अगर विधानसभा का घेराव किया तो खाली कांग्रेस ने किया माननीय अशोक तंवर जी के नेतृत्व में। अरे सर ये कैसा घेराव है? एक कैसा घेराव है कि अशोक तंवर और हुड्डा के बीच में आपसी जंग चलती रहती है, उसके बाद में सोनिया गांधी को उसमें हस्तक्षेप करना पड़ता है। डॉक्टर लक्ष्मी का लोकतंत्र का सबसे काला दिन होगा, डॉक्टर लक्ष्मीकांत और धर्मवीर चौधरी जी को देश से गायब होगा तो लोकतंत्र के लिए खतरा। अरे सर लोकतंत्र के लिए खतरा होगा, मगर तो गायब तो आप हो रहे हैं ना? अरे भीमवाद का सहारा लेके क्यों नहीं ले पा सकते
सरकार बनाते हैं मैदान में मनुवाद मनुवाद चिल्लाने वाले नहीं लड़ते थे लेकिन हम बीजेपी के खिलाफ आप तो भीमवाद खेल हो गया भावना का सम्मान करते हुए 80 और 85 का भीमवादी रेशियो 12-13 इलेक्शन लड़ने का ऐलान किया है तो कर क्या रहे हैं 85% भीमवादी क्या कर रहे हैं सरकारी मशीनरी को 15% मनुवादी हाथों में चढ़े सरकारी तंत्र के और 85% भीमवादी बैठ के स्टूडियो में किसी हाथों में करना चाहते हैं ये देश की जनता देख रही है। ठीक है सर। और अगर मैं कहूं अन्यथा ना लें तो ये सारे के सारे धृतराष्ट्र की भूमिका में बैठे हैं। ये सारे के सारे कालीदास वोट मिला है 70% वोट आपके खिलाफ है। ये विचार करें हमीरपुर में 70% वोट आपके खिलाफ है मात्र 30% वोटों के आप जो है प्रदेश में कैसे साबित करोगे कि जीत जीता आपके साथ है 70% वोट आपके खिलाफ क्या है हमीरपुर में और आप हमारे 70% के हिसाब से 2019 में इसी फॉर्मूले में गठबंधन बनाया था ना कि 70% वोट हमारे साथ है। सारे लोग तो मिल गए थे कलकत्ता से लेकर के सारे प्रदेश के लोग। क्या हो गया सर? हवा हो गया? क्या हो गया? कहां बिल में घुस गए आप लोग? 70% वोट का आपने क्या उखाड़ लिया? भाषा की गरिमा का थोड़ा सा हम लोग ध्यान रखें। केवल टीवी में बैठ के भाषण दीजिए आप लोग। 70% का आपको वोट मिला है, टीवी में बैठ के सुनाने के लिए मिला है। सर जाए तो सरकार जो है चुनाव को जीत नहीं पा रहे हो आप लोग। ये लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं सर। ग्राउंड लेवल पे काम करना पड़ता है। टीवी में बैठ के बोलने से वोट नहीं मिलता है। महल में बैठ करके आदेश देने से अपने आप को देवी बता देने से जी, मैं आपसे एक सवाल करता हूँ। हरियाणा में सीएम साहब की घोषणाएं कितनी हुई और कितनी घोषणाएं पूरी हुई आप ये देखिए। हरियाणा के अंदर ठीक है सर। एके मिश्रा जी, ये जो चार राज्यों के अंदर चुनाव होने जा रहे हैं, दो राज्यों की घोषणा हो चुकी है। ठीक है सर। एके मिश्रा जी, स्थिति में आप कुछ बदलाव देख रहे हैं क्या? बीते 5 वर्षों में राज्य में के अंदर विधानसभा के अंदर आपको कुछ ऐसा दिखा कि विपक्ष या विपक्षी पार्टियों ने कुछ ऐसा किया है कि सत्ता पक्ष को चैलेंज कर सके, टक्कर दे सके, जनता के बीच में खुद को मजबूती से खड़ा कर सके? आपको कुछ दिख रहा है कहीं इन चारों पांचों राज्यों? ऐसा कोई सिम्टम नहीं मिल रहा है और मैं बड़ा ब्लंटली इस चीज को बोलूंगा। दुख की बात यही है कि ये चिल्ला रहे हैं बीजेपी विपक्ष मुक्त करना चाहती है देश को। मैं इनसे सहमत भी हूँ। मैं तो बोलता हूँ आप लोगों का मजबूत होना बड़ा जरूरी है, लेकिन सर, जब आप लोग खुद का होना, विपक्ष का होना लोकतंत्र की मजबूती के लिए जरूरी है, मगर जब विपक्षी पार्टी खुद अपना ही ख्याल नहीं रख पाएंगी तो उसमें मैं क्या करूंगा और बीजेपी क्या करेगी? आप लोगों को जिस लेवल पे काम करना चाहिए, संवाद किस तरीके से आप स्थापित करिए, किस किन मुद्दों को उठाइए, बीजेपी जिन मुद्दों को उठा रही है उसको क्रिटिसाइज कैसे करिए, रणनीति है नहीं, सोच है नहीं। आप अपने बयानों में खुद उलझ जाते हैं, आप बैकफुट पे चले जाते हैं। हालत ये होती है, आज आपके जो है प्रधान ने कुछ बोला, पार्टी हेड ने कुछ बोला, 2 दिन के बाद उनको रिवर्स यू टर्न लेना पड़ता है, तो क्या बोलेंगे? जब सोच ही नहीं है, समझ ही नहीं है भारतीय पॉलिटिक्स की, तो आप क्या चुनाव जीतेंगे? ठीक है, धर्मवीर चौधरी जी, उसको क्या नाम दिया था? सोशल इंजिन का। बहुजन समाज पार्टी जाति और धर्म की राजनीति नहीं करती है। हमने माननीय काशीराम जी ने नारा दिया कि जाति तोड़ो समाज जोड़ो, और आज जो है हम उसी फार्मूले पर काम कर रहे हैं। हम जाति और धर्म की राजनीति नहीं करते बीजेपी वालों की तरह। और मैं माननीय लक्ष्मी 80 सीट में कितने मुसलमानों को टिकट दिया था आपने बताइए? वाजपेयी साहब बैठे हैं, मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ, और ये जो भाई हमारे मिश्रा जी बैठे हैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि पिछले 5 साल 100 दिन की सरकार केंद्र में हो गई मोदी जी की, क्या एक भी बुलेट ट्रेन का ट्रैक बिछा? क्या हाईटेक सिटी की एक ईंट लगी? अरे सर, यही तो रोना है। आप लोगों के लिए मैं इसीलिए रोता हूं। क्या काला धन इस देश में आया? ना जाने ऐसा क्या है लोगों के आए? बीजेपी क्या नोटबंदी से इस देश में लोगों को फायदा हुआ? लेकिन तब भी क्या जीएसटी से लोगों को? अरे सर, जीएसटी नोटबंदी, सर, आज इतने मुद्दों के साथ में ये देश की जनता करा रही है। ठीक है सर। अरे सर, कब तक? चुनावी मंच नहीं है सर, चुनावी मंच नहीं है, राजनीतिक मंच आपका नहीं है सर, एक सेकंड, धर्मवीर चौधरी, जो है
अरबों करोड़ों के बंगले बना करके और मौज में है। ठीक है ठीक है ठीक है धर्मी जी चौधरी जी, मगर ये चुनावी मंच नहीं है सर ना, बात करने राष्ट्रवादी सर। ठीक है, मुझे नहीं लगता है कि राज्यों के चुनाव में विपक्षी पार्टियां जीत करके आ पाएंगी। ये चुनाव लड़ेंगी, हल्ला मचाएंगे, लेकिन 360 डिग्री अप्रोच इनका नहीं है, मजबूत नहीं है, क्योंकि बहस का अंत नहीं। चुनाव लड़ेंगे खाना पूर्ति के लिए, बहस का